प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब हम राशि के हिसाब से भी समझ लेते हैं कि महिला की तनाव की स्थिति कैसी होती है। सबसे पहले राशि जो है उसके साथ शुरुआत करेंगे, वो है मेष राशि। अर्पिता, मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं उनका मन स्थिर नहीं होता, आमतौर पे चंचल होता है, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, एक रास्ते पे नहीं टिकता। हम ये नहीं कह रहे कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी आने में समय लगता है। मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं इनके मन की चंचलता ज़्यादा होती है और तनाव पालती हैं, हर छोटी छोटी बात को लेकर के इनको टेंशन होती है, क्योंकि इनका दिमाग स्थिर नहीं होता। इनके मन की समस्याएं आम तौर पर उम्र के 32वें वर्ष में शुरू होती हैं। जब इनकी उम्र लगभग 32 वर्ष हो जाती है तब इनकी समस्याएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अमूमन बचपन का समय इनका बहुत अच्छा बीतता है। अब अगर आपकी राशि मेष राशि है तो हम आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, नियमित रूप से दूध पीजिए, क्योंकि कैल्शियम कंपाउंड की समस्या निश्चित मेष राशि की महिलाओं को होती है। हड्डियों की समस्या, बेवजह के तनाव इनको परेशान करते हैं, इसलिए आपको दूध जरूर पीना चाहिए। और अगर संभव हो तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो इन दो छोटे उपायों को करने से आपका तनाव कम होगा और आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो पाएंगे। बिल्कुल, तो कैसे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, क्या करना है, वो पंडित जी बता रहे हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और चंद्रमा यहाँ बहुत मजबूत होता है, यानी यहाँ जो इमोशन होते हैं अर्पिता वृष राशि की महिलाओं के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो वे एकदम हाइपर हो जाती हैं तनाव पाल करके, या तो एकदम डिप्रेशन में चली जाती हैं, बैलेंस स्टेट में नहीं रहती हैं। इसीलिए वृषभ राशि की महिलाएं बहुत टेंशन लेती हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं और देती भी हैं। जो इनके संपर्क में रहेगा वो भी परेशान होता है और खुद भी ये बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। जानबूझ के टेंशन नहीं देती हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा परेशान होती हैं कि इनके आसपास के लोगों को भी इनकी चिंता होती है। इनको छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है और ख़ास तौर से जब बात होती है संतान की, वृषभ राशि की महिलाएं संतान को लेके हमेशा पॉजेसिव होती हैं, या संतान को लेकर के इनको तनाव थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये समस्याएं उम्र के 18 साल से दिखनी शुरू हो जाती हैं। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं आम तौर पे आप उनका जीवन देखिएगा तो बचपन से ही उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और 18वें साल से ही इनके ऊपर तनाव दिखना शुरू हो जाता है। एक तो आप नियमित रूप से आसन करिए, योगा करिए, योगासन का अभ्यास करिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके मन को शांत रखने के लिए। और जब भी आपको मौका मिले भगवान शिव की उपासना करिए, नमः शिवाय का मंत्र जप करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, शिव जी का ध्यान करिए। तो अगर आप योगासन करें नियमित रूप से और भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत हद तक जो आपकी हाइपर टेंडेंसी है, जो तनाव को लेके आप इतना ज़्यादा डूब जाती हैं, उस तनाव से आप बहुत हद तक बची रहेंगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगली राशि की तरफ बढ़े, वो है मिथुन राशि। लेकिन पंडित जी एक छोटा सा सवाल, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए कहा जाता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आप ध्यान लगाते हैं तो ये आपको हेल्प करता है आपको तनाव दूर करने के लिए और मन को स्थिर करने के लिए। अगर हर कोई भी शख्स ऐसे कर रहा है फिर भी राशि उनके लिए उतने असरदार होती हैं क्या? आप मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसका फ़ायदा इसलिए ना हो रहा हो क्योंकि आपकी राशि कुछ और कहती है? अर्पिता, मेडिटेशन का फ़ायदा होता ही है, आपकी राशि कुछ भी हो। जैसे चीनी मीठी लगेगी ही, चाहे आप किसी भी राशि के हों, चीनी का स्वाद सबके लिए बराबर है।
मेडिटेशन के साथ ये है कि किसी राशि वाले को फायदा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, किसी राशि वाले को थोड़ा विलंब से होगा। लेकिन अगर कोई भी महिला मेडिटेशन करती है, अपने मन को शांत रखने के लिए अभ्यास करती है, तो उसका फायदा उसे ज़रूर होगा। सिर्फ इतनी बात है कि कुछ महिलाओं के ग्रैप्स करने की क्षमता बढ़िया होती है, उन्हें जल्दी फायदा हो सकता है। कुछ महिलाओं के ग्रैप्स करने की क्षमता कमज़ोर होती है, तो उन्हें टाइम लग सकता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिथुन राशि। अब अर्पिता, मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी बिंदास हैं, ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत समझती भी नहीं है और पालती भी नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि ये थोड़ी बौद्धिक ज्यादा होती हैं, इंटेलेक्चुअल ज्यादा होती हैं। इसीलिए मिथुन राशि की महिलाओं को आमतौर पर तनाव कम होता है। गंभीर से गंभीर बात पर भी ये तनाव नहीं पालती हैं, और एक बहुत अच्छा गुण है मिथुन राशि की महिलाओं का। क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, इसलिए समस्या को सुलझाने में विश्वास रखती हैं, उसको लेकर के टेंशन नहीं पालती। पर फिर भी अगर कभी तनाव इनको हुआ, जो कि आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर मिथुन राशि की महिला हैं, आपको तनाव हो रहा है, तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपका तनाव आपको ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है। इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। वैसे मिथुन वाली महिलाओं को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तनाव पालने में विश्वास नहीं रखती हैं। नियमित रूप से अगर आप हरी सब्जियों का सेवन करें, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत अच्छा होगा। आपको ज़्यादा उपाय बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नियमित रूप से हरी सब्जियां खाएं, तो आपके शरीर में लिम्फ बढ़ेगा, लिम्फ बढ़ेगा, मन और शार्प होगा, ब्रेन और ताकतवर होगा, और आप हर समस्या को सुलझा पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।